आपके चेहरे पे कुछ निशान है, कुछ एक्सीडेंट हुआ था या कुछ? हाँ जी, वो अब कोरोना काल में सारी पढ़ाई अब फोन पर ही होती है, तो उसकी वजह से मेरे आईज में वीकनेस आ गई है। ओह गॉड, कैसे हुआ ये? हर टाइम हमने पढ़ाई की, सब आकर ये तो पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पर किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। क्या? अरे, जब लॉकडाउन से पहले हम 10 मिनट भी मोबाइल खेल लेते थे तो पेरेंट्स कहते थे इतना मत खेलो, आंखें खराब हो जाएगी। और अब तो सारा पढ़ाई ही हमारी फोन पर होती है, अब तो पूरे दिन ही हम पढ़ते रहते हैं। और अब पेरेंट्स कहते हैं आंखें खराब होना तो तुम एक बहाना बना रहे हो। मैं इनका दर्द तो बिल्कुल समझता हूँ। खुद को बेटा कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी भी नहीं। अरे पापा के लिए कुछ गाओ, चलो। मैं पापा के लिए नहीं, मैं उन सभी बच्चों के लिए गाऊंगा जो इसी दर्द से गुजर रहे हैं। आज इस गाने का मतलब मुझे भी समझ में आया, ऐसा है आपके गाने से। मैं बस आपसे मेरे गाने को फिर मतलब देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है ख्वाबों के रंग में, तू अपने जहां को भी रंग दे। जो आपने जो किया अपने साथ मुझे बहुत 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 ही, मैंने एक्चुअली इमेजिन कर लिया वो जो आपने किया। कितनी तकलीफ में होंगे तब आपने एक और तकलीफ का सोचा। प्लीज अब मुझसे वादा कीजिए कि अब ऐसा अब दोबारा कुछ भी नहीं सोचेंगे। लाइफ बहुत खूबसूरत है। वादा करता हूँ मैं अभी से ही पढ़ाई सारी छोड़ता हूँ और मैं ऐसा गलत कदम कभी भी नहीं दोहराऊंगा।